अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग। मैं सबा दानिश फ्रॉम सेब्स ब्यूटी सैलून। आज मैं आप लोगों को मॉडर्न एडवांस मेकअप की टेक्निक सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने सरम लगा लिया है। अब मैंने अपनी आईब्रोज को अच्छे से शेप दे दिया है। अब मैं आई शेड अप्लाई करना शुरू करूँगी। इससे पहले मैं जो है कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ इस पर फेस एड का। आइवरी शेड है, बहुत ही ज़्यादा फेयर शेड है। फेयर शेड का कंसीलर लगाने से ये होता है कि आपका जो शेड आप आई शेड यूज़ करते हैं उसकी पिगमेंट्स बहुत अच्छी उठ के आती हैं, कलर्स बहुत अच्छे उठ के आते हैं। मैंने कंसीलर के बाद जो है पैनकेक से इसको फिक्स कर दिया ताकि लाइंस ना पड़े। इसके बाद मैं आई शेड अप्लाई करूँगी। कंसीलर के बाद ज़रूर आप लोग पैनकेक यूज़ किया करें आईज़ पर। अब मैं सबसे लाइटर शेड स्टार्ट करूँगी अपनी क्रीज एरिया पर। और फिर सॉरी मेरा कैमरा मिसिंग कर रहा है। लाइटर शेड यूज़ करूँगी मैं अपने क्रीज एरिया पर। उसके बाद मैं डार्क शेड मतलब लाइट से डार्क कराएंगे। डार्क से लाइट पर नहीं जाते हैं, सबसे पहले लाइट से स्टार्ट लेते हैं। ब्रोज़ की तरफ आपका जो शेड जाए वो लाइट जाए और नीचे की तरफ जो आपकी आईबॉल की तरफ शेड आए वो डार्क कराए। इस ही टोन के मैं कलर ले रही हूँ लाइट से डार्क। अभी मैं अपनी क्रीज एरिया को बना रही हूँ। फ्लफी मेरा ब्रश है। फ्लफी ब्रश से ये होता है कि आपके जो शेड्स हैं बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। फील नहीं हो जाता है लाइन्स के आपने कौन कौन से शेड अलग अलग से लगाए, सारे शेड्स आपस में मर्ज हो जाते हैं। अब मैं आई होल पे फिर से कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो मैं लाइटर शेड लगाऊं तो वो बहुत उठ के आए। अब मैंने कॉर्नर्स जो हैं अपने
ब्लैक शेड अप्लाई किया दोनों कॉर्नर्स पर, टेयर डक पर भी और आउटर कॉर्नर पर भी मैंने ब्लैक शेड अप्लाई कर दिया। सेंटर में मैंने वाइट गोल्ड शेड लगाया है। अब मैं अपनी ब्रो बोन पे हाइलाइटर लगा रही हूँ, ब्रो बोन पे और टेयर डक पे, इनर जो कॉर्नर है वहाँ पर भी मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर दिया है। ये हाइलाइटर भी काइशीज का ही था, लूज हाइलाइट। अब जो ऑरेंज कलर मैंने अपनी क्रीज एरिया पे स्टार लगाया था ना, वही शेड जो है मैं अपनी आईज के नीचे भी लगाऊंगी। फिक्सर अप्लाई कर लिया है मैंने अपनी आई मेकअप। अब मैं लगा रही हूँ स्पार्किंग डस्ट विदाउट ग्लू लगाई, उससे पहले मैंने इसलिए फिक्सर लगा लिया ताकि ये जो शेड है वो गिरे ना मेरे फेस पर। और फिक्सर लगा लिया है तो वो आइज गीली गीली थी तो इसलिए वो फिक्स भी हो गया। अब मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। लैशेस लगाने से पहले लाइनर लगा लेना बेहतर होता है, इससे आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है और आपकी लैशेस पे जो आपने ग्लू लगाया होता है अगर वो वाइट कलर है किसी भी कलर का होता है तो वो फील नहीं होता है, लाइनर लगाने से ये फ़ायदा हो जाता है। और मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मैं। मस्कारा भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। नीचे की लैशेस पे भी मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मैं। लैशेस मैंने 3D लैशेस यूज़ की हैं, अप्लाई कर चुकी हूँ मैं लैशेस। अब मैं अपने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर दोनों पर ब्लैक शेड को लगा के अच्छे से मर्ज करूँगी। नीचे भी लगाऊंगी मैं, सिर्फ आउटर कॉर्नर की तरफ नीचे लगेगा। अब मैं अपनी वाटर लाइन पर काजल लगा रही हूँ। काशीज़ के शेड मुझे बहुत पसंद है, अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी पिगमेंट आती है। बहुत ज़्यादा शेड को जो है ब्रश में लेना नहीं पड़ता है, हल्का सा ही लेके और आप लगाएं तो बहुत अच्छी सी पिगमेंट आ जाती है। ब्रो बोन पे मैंने हाइलाइटर लगा लिया। अब मैं अपने इनर कॉर्नर पर लाइनर लगाऊंगी, इससे जो है बहुत अच्छी सी आई जो है डिफाइन लगती है। इनर कॉर्नर पर आपको लाइनर ज़रूर लगाना चाहिए। अच्छा, इनर कॉर्नर पर जो है मैंने बॉब का लाइनर लगाया है जबकि मैं अपनी आईज़ पर केक लाइनर लगाया था मैंने। कॉन्टोरिंग स्टार्ट कर दिया मैंने, स्टिक से पहले मैंने कॉन्टोर किया है, कॉन्टोरिंग स्टिक से, उसके बाद मैं इस पर पाउडर शेड लगा रही हूँ क्रिस्टीन का। अपनी नोज़ को, अपने जो भी ब्यूटी बोन्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे हम, और जो कॉन्टोरिंग एरियाज है जहाँ जहाँ कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है वहाँ हम कॉन्टोर करेंगे। अब मैं मेराकी का ब्लश ऑन यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा सा ये कलर है, पिंक सा। कॉन्टोर के नीचे पैन मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ आइवरी शेड का, इससे जो है आपकी कॉन्टोरिंग बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है, अच्छा लगता है फेस का, आपका जो कट है वो फील होता है। एनास्टेसिया की ग्लो किट मैंने यूज़ की है हाईलाइटिंग के लिए, बहुत ही अच्छी और नेचुरल शेड देता है, बहुत अच्छे पिगमेंट्स हैं इसके। जितने भी आपके हाईलाइटिंग एरिया हैं वहाँ आप लोग हाईलाइटर लगा लेंगे। लिपस्टिक मैंने सबसे पहले न्यूड शेड लिया है एटीट्यूड का। न्यूड शेड, लाइटर शेड लेंगे आप तो उससे बहुत अच्छी, किसी भी कलर को अगर आप लगा लें तो बहुत अच्छी से मिक्सिंग हो के और अच्छा से शेड बन जाता है। अच्छा, यहाँ मैं बहुत डार्क लिपस्टिक यूज़ नहीं कर रही हूँ और बहुत अच्छा मेरा शेड है लिपस्टिक का, न्यूड सा शेड है। लिपस्टिक
लिप्स आपने बहुत फिनिशिंग से बनाने हैं प्रॉपर, ना बहुत ज़्यादा बड़े और ना छोटे।